और देखिए कितने हजार फीट की ऊंचाई पे पूल, वो भी हरे कलर का। हेलो एंड व्हाट्स अप वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोरर फुकरे। माय नेम इज कनव एंड नमस्कार जी। तो ये जो आज का हमारा व्लॉग है, हम लोग आए हैं मिनी पटनी टॉप। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, ये रहा मिनी पटनी टॉप। तो ये मिनी पटनी टॉप कहाँ पे है, आपको कैसे पता लगेगा? तो ये मिनी पटनी टॉप जानने के लिए अब आपको ये देखनी पड़ेगी फुल वीडियो। तो आप करते हैं रोल द इंट्रो, लेट्स गो। आज अभी हम लोग ऑन द स्पॉट हैं बंतलाब चौक पे। तो बंतलाब चौक से आज मैं आपको अपनी यहाँ पे हमारे जिसको कहते हैं मिनी पटनी टॉप, आज मैं आप लोगों को वहाँ लेके जा रहा हूँ। तो उधर तक कैसे पहुँचा जाए वो मैं आपको आज बताता हूँ। बहुत आसान है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बंतलाब से निकलते ही जाने के दो तरीके हैं, तो अभी आपको मैं पहला वाला दिखाता हूँ। और मैं उसकी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में कोई पता नहीं वो रहे या ना रहे, क्योंकि वो जो नीचे से अखनूर से जो पीछे हाईवे निकल रहा है जो सीधे नगरोटा ज्वाइन करेगा, वो वाला हाईवे उन्हीं पहाड़ियों से निकल रहा है, तो मे बी वो आधे से ज़्यादा कट जाएँ। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं जिसको कहते हैं केरन मोड़। ये मुझे लगता है बंतलाब से खाली ज़्यादा नहीं तो 100-200-300 मीटर होगा। और अगर चैनल पे नए आए हो, अगर पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल पे मैं मोटो व्लॉगिंग, ट्रैवल, एडवेंचर, इस बड़ी सारी चीज़ें वो जो मुझे समझ भी नहीं आती मैं कभी कभी क्या कर देता हूँ, और फूड व्लॉग ये भी शूट करता हूँ। तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग अगर आपको वो चैनल अच्छा लगा तो, और थम्स अप भी कर देना। तो बंतलाब से ये भी ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे लगता है ज़्यादा मैं 1 किलोमीटर भी नहीं बोल सकता, उससे कम होगा। तो ये जो लैंड है वो ज़बरदस्त है, मेरी तो फेवरेट है। तो ये रहा वो मंदिर, मंदिर के पास तो हम पहुंच चुके हैं। और यार कल के बाल कटाए हैं यार, वो जगह जलन पड़ रही है वहाँ पे यार। तो ये रहा मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बंतलाब से कुल 1 किलोमीटर से भी कम में। यहाँ पे होती है दंगल, तो इस वाले रास्ते से ही आपने जाना है ऊपर। तो ये लो हम पहुँच गए हैं उसके पास, और ये बड़ा सा ट्रक आ गया। ये है वो दंगल वाली जगह, शायद अब तैयार हो रही है। तो हमने यहाँ से जाना है स्ट्रेट ऊपर, कोई मोड़ इस तरफ नहीं काटना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा टर्न आएगा वो इस तरफ लेते जाना है। क्या सबसे ईजी है जाना। और मैं कह रहा हूँ आपने ऐसी जगह, मतलब बंतलाब जैसा एरिया, अगर आप यहाँ पे रहते हो आसपास ही, यहाँ कभी बंतलाब वाले रोड से निकले हो, जैसा ये एरिया है इससे थोड़ा सा किलोमीटर जाके कैसा हो जाता है, अब आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा व्यू कैसे हो सकता है। अब सोच लो मिनी पटनी टॉप जिसको बोलते हैं, व्यू तो ऐसा होगा ही। तो ये रहा, ये जो पीछे मोड़ था वहाँ नहीं जाना आपने, सीधे ऊपर वाली तरफ जाते जाना। तो अब ये एक टर्न आएगा, इसके बाद लास्ट में आएगा वो मैं आपको उस टाइम बताऊँगा। ये वाला टर्न काट लेते हैं, उसके बाद आप करो एक अच्छा सा म्यूजिक एंजॉय, साथ में ब्यूटीफुल से व्यू। ये लो लेट्स गो। तो फाइनली अगर आपने मेरी वो वाली माता वैष्णो देवी जिसमें मैं साइकिल पे गया हुआ हूँ, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो
तो इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दूंगा। तो उसका रास्ता यहाँ से निकलता है, ये सीधा नगरोटा निकलता है। कभी मौका मिलेगा यहाँ से जाएंगे नगरोटा, बहुत तगड़ा रास्ता है। और ये रहा आपने लेना है लेफ्ट साइड, जो मैं आपको कह रहा हूँ मिनी प्रिंटॉप जाने के लिए। और ये रास्ता पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा आने वाले टाइम में, थोड़ी देर में। क्यों? क्योंकि जो जो नीचे से अखनूर से रोड जुड़ेगा दुमाना वाली साइड से, वो सीधे निकलेगा, अब निकलेगा नगरोटा हाईवे पे। तो उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके लिए जो रोड है, ये अब क्या पता रहे या ना रहे, क्योंकि ये तब भी उस मुकाबले थोड़ा सा चौड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पर ट्रक्स चलते हैं अभी। पहले ये रोड बिल्कुल ऐसे श्रिंक होता था, जैसा कि आपको दिख रहा होगा साइडों पे सारी जगह धूल ही धूल है। और यहाँ से जो ऊपर का रास्ता है वो पूरा मोड़ों से भरा हुआ है। मुझे भी काफ़ी टाइम हुआ है वैसे आए हुए। मैं याद करूं तो अपने स्कूल टाइम्स में आया करते थे, आया उसके बाद भी हूँ, पर जो अपना स्कूल टाइम था उसमें जब बिल्कुल ही विश विश वाले बच्चे होते हैं नहीं जो, तब हम आए थे, वो मुझे आज भी याद है। फिर हमारा प्रिंसिपल है, उसने हमारी फ़ोटो निकाली थी और बोलता है ये लड़के घूमते हैं, इन सबका नाम नोट करके रखो। वो मुझे याद भी याद है, अगर मेरे फ्रेंड में से जस्सी वगैरह कोई भी देख रहा हो तो उसको तो ये याद होगा। और ये देखिए यार, पूरा का पूरा काट दिया हुआ ये। हो, ये पूरा पहाड़ था यार, यहाँ पे था ही नहीं ऐसा कुछ, अब तो दिख ही नहीं रहा। और लोगों को जैसे ही पता लगा कि यहाँ पे अब डेवलप होने वाला है, लोगों ने कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया, अच्छे अच्छे अपने घर की, जिनकी भी ज़मीनें थी पुरानी, ये भी ऐश करेंगे वो। तो रास्ता तो पूरा ऑफ रोड से भरा हुआ है, पर मुझे ऑफ रोड आपको जैसे कि पता होगा, अब तो पता लग ही गया होगा यार, अभी भी नहीं पता यार। प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर आपको अभी भी नहीं पता कि मुझे ऑफ रोड कितना पसंद है। और जो यहाँ पे मिनी पटनीटॉप आया हुआ है, प्लीज़ मुझे बताना। ये बहुत अगली जगह, मुझे तो बहुत पसंद है। अभी टाइम 5:00 कुछ हुए थे और अंधेरा, मैंने सोचा था कि अंधेरा नहीं होगा, मैं तभी जल्दी निकला, नहीं तो मैं ऐसे 5 बजे ही निकलता हूँ, मैं 5 बजे से पहले निकला हूँ और तब भी अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ है। तो ये रास्ता तो क्या पता अब लास्ट बारी रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास, इसके बाद क्या पता ये रास्ता रहे या ना रहे। आप टॉप पे देखना यार, आपको व्यू बदल जाएंगे सारे। ओ भाई साहब, क्या खतरनाक रोड हो गया ये। यहाँ पे यार एक बकर वाली डॉगी होता है यार, बहुत खतरनाक होता था यार, यहाँ से काटने में भी मुझे डर लगता था उसको देख के। और देखो यार, इनको पता लग गया ना यहाँ पे हाईवे बन रहा, कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन हो जा रही है। अब तो लोग, मुझे लग रहा है पहले निकलने की सोचे थे, अब तो पक्के घर बना रहे हैं। और अब यार जो व्यू चेंज हो गया ना, प्लीज मेरा कैमरा उसको कैच कर ले, जबरदस्त। ओ फाइनली टाइम पे पहुंच गए यार। वैसे मुझे पता नहीं लगा यार, इतनी मतलब रास्ता बड़ी जल्दी खत्म हो गया यार। और यार इधर से आपको सारे व्यू दिखाता हूँ यार। अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपको बताया जा रहा है, जो मिनी बड़ी टॉप है, इधर हम पहुंच चुके हैं, बाइक हमारी लग चुकी है। और ये निशानी के लिए ये बड़ा सा टावर, ओहो एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, वाइट हो गया, पर ये बड़ा सा टावर, इसकी हमिंग साउंड हमेशा आती रहती है। और पीछे हमारे सूरज, आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा, दिख जा, हाँ वो देखो, देख रहे हो क्या व्यू है, हर जगह अमेजिंग। तो अभी अब मैं आपको यहाँ पे जगह की डिस्क्रिप्शन बताता हूँ पूरी, तो थोड़ा सा हाइट पे आ जाते हैं, ये आ गए हम हाइट पे। तो ये तो रहे जो पाइन ट्रीज़ आपको जैसे दिख रहे होंगे, ठीक है, राइट हैंड में पकड़ने हैं, तो ये रहे जो पाइन ट्रीज़ जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद जो पीछे से आपको, अगर जिसमें छोटा दिखेगा, मैं आपको बैक कैमरा से भी दिखाता हूँ, पहले आपको ऐसे बता देता हूँ,
ये जो आपको बीच बीच से ऐसे जगह दिख रही है और वो जो एंड में रोड है ना उसको कहते हैं जगती। तो ये जाके नगरोटा रोड भी यहाँ से ही निकलेगा और जो हाईवे की कंस्ट्रक्शन हो रही है, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, आपको एक और वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे। अगले कभी टाइम मिलेगा जिस दिन मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि नीचे से कंस्ट्रक्शन होके आएगी वो पूरी यहाँ से वहाँ निकलेगी। और पीछे अगर आप इस तरफ देखोगे अभी वो जो पहाड़ी आपको लास्ट में दिख रही है वो टॉप पे, ये इधर, ये जहाँ पे मेरी उंगली है, ये वाली ये इधर, हाँ ये वाली जो पहाड़ी है ये है वैष्णो देवी वाली पहाड़ी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा से और साथ में फिर से बताता हूँ, लेट्स गो। तो जो फर्स्ट में आपको नुकीली सी पहाड़ी दिख रही है ये है वैष्णो देवी वाली पहाड़ी। इसके वो जो लाइट्स और मुझे दिख रही हैं आपको नहीं दिखेगी, थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं। नहीं, तो मुझे दिख रहा है जो शेड वगैरह है वो भी दिख रहे हैं। ये रही वैष्णो देवी की पहाड़ी। तो ये मैं जो आपको रास्ता बता रहा हूँ ये अब आस्ता आस्ता ये कम्प्लीटली वैनिश भी होने वाला है। तो अगर ऐसा मुझे टाइम मिलेगा मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू आने लग जाएंगे। और ये सारा का सारा पहाड़ी पहाड़ है वो रहे, मैं दिखाता हूँ आपको। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ करना। ये जो आपको थोड़े से घर टाइप दिख रहे हैं ना, ये अभी जिनके ऊपर फोकस किया था पिंकिश कलर में, ये हैं जो जो माइग्रेंट्स क्वार्टर्स है ना, ये इनको माइग्रेंट क्वार्टर बोलते हैं। ये जगती वाली साइड है और ये यहाँ से ही निकलेगा जो हमारा जो नया हाईवे बन रहा है। ये आपको छोटे छोटे से पिलर दिख रहे होंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो छोटे छोटे से पिलर्स हैं ये वही पुल के लिए बन रहे हैं, यहाँ से सीधे ये कनेक्ट करेगा और मुझे लगता है कि रास्ता बहुत आसान हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये रहा कुछ यहाँ का व्यू। और अगर आप आ रहे हो थोड़ा, आप तो वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं, आप दोपहर को भी आओगे तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है यहाँ। तो लगभग अंधेरा हो गया हुआ है, कैमरा बड़ी मुश्किल से ही कैप्चर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब वो जो आगे का रास्ता है आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दिखाना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैंने सोचा था कि पूरा कवर कर दूंगा पर नहीं हो पाएगा क्योंकि अंधेरा हो जाएगा जैसे ही मैं पहुँचूँगा। मोटो व्लॉग मेरा आगे वाला कैमरा है वो बिल्कुल कैच ही नहीं करेगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक भी ये जो अच्छे अच्छे से व्यू हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे से व्यूज़ लिए हैं, आपको दिखाऊंगा, आपको अच्छे लगेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले ही किसी ऐसे अच्छे से व्लॉग में, और मैं ये वाला व्लॉग जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूँगा जो उसका सेकेंड पार्ट होगा। तो मिलते हैं आपको फिर से किसी अच्छे से अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद। मे बी आप लोगों को नहीं पता लगेगा पर एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि पहली बार देख रहा हूँ ना, आपको बताता हूँ। ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा सा आपको जैसे बिंदु जैसे दिख रहा है ना, ये आ गया चांद बाहर, ठीक है, चांद आ गया हुआ है। और ये रहे हमारे सूरज बाबा, तो ये बिल्कुल सीध में है, जैसे 180 डिग्री बोल सकता हूँ, 180 डिग्री से थोड़ा सा कम होंगे पर बिल्कुल सीध में ये यहाँ पे हैं, वो बिल्कुल ऐसे अपोजिट साइड पे हैं जैसे यहाँ। ये देखो क्या यार, कैमरा कैच नहीं कर रहा क्योंकि अंधेरा हो गया, पर ओ माय गॉड यार क्या व्यू आ रहा है यार।